हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, मॉनसून के सीज़न में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो स्टेम कटिंग यानी कि टहनी काट करके उनको ग्रो करते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारे फ्री के ही प्लांट्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जो है अपनी कटिंग्स को तो ग्रो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो कटिंग जो है मर जाती है या फिर बहुत हेल्दी प्लांट के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है। ऐसा दोस्तों कई कारणों से होता है। उसमें से कई कारणों में एक कारण ये भी है कि हम लोग जो है सही तरीके की टहनी यानी कि स्टेम का सिलेक्शन नहीं करते हैं। वैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं किसी खास ढंग से ग्रो करो तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से प्लांट जो होते हैं उनको टिप कटिंग से ग्रो करो यानी कि उनकी सॉफ्ट स्टेम लेकर के ग्रो करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कौन से में जो है वो सेमी हार्डवुड कटिंग में ग्रो हो जाते हैं। जो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबी हाइट में नहीं जाते हैं, जिनके स्टेम थोड़ी सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, उसमें जो है बहुत सारे हमारे सीजनल प्लांट्स हैं उनकी जो है आप अगर टिप की कटिंग लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि इस समय हम लोग गुलदाउदी की, क्रिसेंथमम की कटिंग लगा रहे हैं, डेलिया है, कोलियस है, गेंदा, एग्लोनीमा, क्रोटॉन, डाइंथस जैसे बहुत सारे प्लांट। वैसे आप इन प्लांट को टिप के नीचे से भी ग्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिप को लोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सेकेंड नंबर में दोस्तों आया है सेमी हार्डवुड कटिंग का। अधिकतर जो भी हम लोग के परमानेंट प्लांट्स हैं उनको जो है हम लोग की हार्डवुड जो सेमी हार्डवुड कटिंग होती है वो ली जाती है। सेमी हार्डवुड कटिंग दोस्तों वो होती है जो कि एक साल पुरानी रहती है, मतलब प्लांट की जो पिछले साल की जो डाली होगी उसको आप इस साल कटिंग के रूप में ग्रो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें से कुछ प्लांट जो हैं वो ग्रीन स्टेम मतलब टिप की कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है या फिर रिजल्ट उसका इतना अच्छा नहीं आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आप सेमी हार्डवुड लोगे, थोड़ी सी कड़ी लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि हिबिस्कस है, बोगनविलिया है, चंपा है, कनेर है, ओलियंडर है, सहजन है, बहुत सारे हैं, जैस्मिन की सारी वैरायटीज़ है। आप इनको जो है थोड़ी सेमी हार्डवुड लीजिएगा, मतलब एक साल पुरानी लीजिएगा, थोड़ी सी वुडी टाइप की रहती है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे प्लांट्स दोस्तों ऐसे भी हैं कि दोनों ही तरीके की कटिंग में ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कॉमन मनी प्लांट है। इंडोर प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दोनों तरीके की कटिंग में ग्रो हो जाते हैं, लेकिन बात फिर वही आ गई कंपैरिजन की कि कौन सा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। गार्डेनिया को भी आप दोनों तरीके की कटिंग से ग्रो कर सकते हो, दोनों में ही रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। एक्जोरा है, एलामांडा है, मैंने टिप कटिंग से भी आपको बताया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों उसमें फ्लावरिंग में बहुत टाइम ले लेता है अगर आप टिप को लोगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर फ्रेंड्स कह रहे थे कि मॉनसून में कौन कौन से प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो दोस्तों इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।